हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति, अभी हूँ शांति निकेतन में और आज आपको लेकर जा रही हूँ उत्तरायण कॉम्प्लेक्स। एंट्री फीस है 70 रुपये, जो कि आप देकर देख सकते हैं शांति निकेतन गृह एंड उत्तरायण। उत्तरायण कॉम्प्लेक्स वह जगह है जहाँ टैगोर शांति निकेतन में रहते थे। उदयन, कोणार्क, शामली, पुनाश्च और उदीची नामक भवनों को आप यहाँ देख सकते हैं। टैगोर कभी ना कभी इन सभी इमारतों में रहा करते थे। उत्तरायण कॉम्प्लेक्स में खूबसूरत बगीचे हैं और रामकिंकर बैज के कुछ मूर्तिकार इन दिनों वहाँ चले गए हैं। विचित्र सदन टैगोर संग्रहालय भी उत्तरायण परिसर में स्थित है। उत्तरायण कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लेकर ज़रूर आएं। यदि आपने उत्तरायण परिसर का दौरा नहीं किया तो आपने शांति निकेतन नहीं देखा है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है और शाम में 2 से 5। बीच में ये लोग 2 घंटे के लिए बंद होते हैं, तो जब भी यहाँ जाएं टाइमिंग ज़रूर ध्यान रख के जाएं। बुधवार को यह कॉम्प्लेक्स बंद रहता है और कभी कभी तो यहाँ बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों दिन कई जगह बंद रहते हैं। तो जब भी आप शांति निकेतन जाएं, बिल्कुल अपडेटेड स्टेटस, अपडेटस जो भी उनके टाइमिंग्स हैं उसकी जानकारी लिए बिना न जाएं। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी नहीं की। अंदर जाने से पहले आपको जूते चप्पल भी बाहर उतारने पड़ते हैं। विश्व भारती परिसर के बीचों बीच पेड़ों से घिरे रास्ते, बजरी वाले आंगन और विदेशी उद्यान उत्तरायण कॉम्प्लेक्स में 5 वास्तुशिल्प रूप से बहुत विविध घर शामिल हैं। कला डेको से लेकर ग्रामीण बंगाल तक, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर अलग अलग समय में रहते थे और अपना बहुत कुछ लिखा। इसके अलावा यहाँ टैगोर की प्रदर्शनी और यादगार वस्तुएँ, स्पेशली उनकी प्राचीन हम्बर कार का संग्रहालय भी है।